हेलो फ्रेंड्स, जानकी रसोई में आपका स्वागत है। बिना झंझट के टेस्टी खाना बनाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी बिल्कुल फ्री में। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यहाँ मैंने 200 ग्राम बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है, जिसे साफ करके धो लिया है और एक घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए, भिगोने से ये कितनी साइज़ में भी बड़ी होगी और कितनी आराम से ये टूट पा रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से फूल चुकी है। ये दाल थोड़ी वायुकारक होती है, इसलिए इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहिए। इसीलिए मैं इसे पतीली में बनाऊंगी, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाली दाल जैसा आएगा। आपको ढाबे में जाकर इस दाल को खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब आप घर में ही इतनी आसानी से बिल्कुल वही टेस्ट ला सकें। इसके अंदर हम उसका 3 गुना पानी डालेंगे, मतलब एक कटोरी अगर दाल है तो हम 3 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। और दाल जो है, अगर अंदाजे से बनाएंगे तो 2 पोर्वे पानी ऊपर आना चाहिए। पानी अगर एकदम ज़्यादा डाल देंगे तो दाल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पतली हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ज़रूरी यह है कि आप पानी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा डालें और ना ही कम। उड़द की दाल को पकाते समय उस पर झाग आने लगती है, ये झाग खानी नहीं चाहिए। ये ना तो स्वाद के लिए अच्छी है और ना ही सेहत के लिए ही अच्छी है। आप ये झाग नहीं हटाएंगे तो इसके खाने से आपको गैस बन सकती है। झाग हटाना भी बहुत आसान है, बस एक छलनी की मदद से इसे हटा लीजिए। सारी झाग देखिए कितनी आसानी से हट पा रही है। जब इस झाग को हटा लेंगे तब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। पहले थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और नमक डाल लीजिए, फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं, वरना इसको खुला ही पकने दीजिए। इस दाल में 2 तड़के लगते हैं। जब तक ये दाल हमारी पक रही है तब तक हम अपना पहला तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। फिर इसके अंदर सिनेमन, लौंग और काली मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर एक प्याज को बारीक बारीक काट कर डालेंगे और उसके साथ ही हम इसमें 7-8 करी पत्ते भी डाल देंगे। साथ ही में बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे जब कटा हुआ अदरक सौते करेंगे तो दाल खाते समय जब उसके पीसेस मुंह में आते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उड़द की दाल में अदरक वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब हमारे प्याज अच्छे से भुन जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और उनको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटरों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इनके थोड़े मोटे मोटे चंक्स ही दाल के अंदर अच्छे लगते हैं। जब ये थोड़े से गल जाएं, ज़्यादा ना गलें, बस थोड़े से ही गल जाएं, तब हम इसके अंदर अपनी सारी दाल को डाल लेंगे और उसको भी साथ में डाल के 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए कितनी कलरफुल दाल लग रही है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सर्व करने से पहले इसमें 2रा तड़का भी लगाएंगे। 1 तड़का पैन लेकर उसमें घी गर्म करें, फिर उसमें जीरा और हींग डालें। साथ ही 1 साबुत सूखी लाल मिर्च को भी छोटा छोटा तोड़कर डाल लें। गैस बंद करके कुछ सेकंड बाद उसमें पीसी हुई लाल मिर्च को भी डालेंगे। देखिए अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसके अंदर मैं लाल मिर्च डालूंगी। अगर पहले ही डाल देते तो लाल मिर्च जो है जल जाती। इसको इसमें डाल के 2रा तड़का लगा लीजिए, इससे दाल की खुशबू और टेस्ट दोनों लाजवाब हो जाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।